Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, everybody. आज की वीडियो मैं फिर एक ECE के बारे में बनाने वाली हूँ, जो कि है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर. डिप्लोमा हो जाए या डिग्री हो जाए या वन ईयर या टू ईयर, कहानी ये है कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आपके पास एक वन ईयर का ऑप्शन भी मौजूद होता है, फिर टू ईयर्स का भी होता है डिप्लोमास, फिर आपके पास बैचलर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ से करना चाहते हैं, क्योंकि हर कॉलेज हर इंस्टीट्यूट बिल्कुल अलग अलग चीज़ें करवा रहा है. तो यू जस्ट हैव टू सर्च फॉर व्हाट यू वांट टू डू. और अगेन, बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर आ जाते हैं कि इज़ देयर एनी पर्टिकुलर प्रोविंस दैट यू वांट टू मूव टू, या आपके फाइनेंसिस कैसे हैं, या आपके पास टाइम कितना है, आपको कितने ईयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट चाहिए. बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वेरी करती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इसलिए मैं कोशिश ये कर रही होती हूँ कि हर प्रोविंस को छोटा छोटा फ्लेवर आपको दे दिया जाए कि आपको जो सूट करता है आप वहाँ पर अपने जो जैसे कहते हैं ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकें, उसको थोड़ा अपनी रिसर्च करें, और उसके बाद जस्ट मेक अ डिसीजन व्हाट यू वांट टू डू, वेयर यू वांट टू गो, और कितने इयर्स का आप करना चाहते हो अपना प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ व्हेन यू आर प्लानिंग टू कम टू कैनेडा. ठीक है जी, आज का जो ECE है वो मैं शेरिडन कॉलेज पर बना रही हूँ, जो कि है ओंटारियो में. ठीक है जी, ये इसमें क्या कहानी होगी, ये है टोरंटो, आप कह लें GTA, कह लें GTA में है, फाइन. तो अगर आप ये करते हैं तो आपकी डेजिग्नेशन क्या होगी, दिस इज़ बेसिकली यू विल बी एलिजिबल टू गेट ओंटारियो कॉलेज डिप्लोमा, जो कि प्रेस्टीजियस डिप्लोमा होगा. दिस इज़ अ टू ईयर्स प्रोग्राम, यानी 4 सेमेस्टर्स होंगे. फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर हैं और सेकेंड ईयर में अगेन 2 सेमेस्टर्स हैं, तो इट्स गोइंग टू बी 4 सेमेस्टर प्रोग्राम ऑफ 2 ईयर्स. लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि प्लीज़ आप हमें 2 इयर्स वालों पे वीडियो बना के दिया करिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपको पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि जब अगर आप कोई प्रोग्राम लेते हैं अपना जो भी डिग्री प्रोग्राम कनाडा के लिए आने के लिए, तो बेहतर यही होता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए, मेहनत कीजिए और कोई अच्छी चीज़ लीजिए, ताकि उसके बेसिस पे आपको आपके जो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स के अलावा आपके इमिग्रेशन प्रॉस्पेक्ट्स भी ब्राइट हो सके. ठीक है जी, और ये याद रखिएगा कि अगर आप 2 इयर्स का लेते हो तो डेफ़िनेटली इंशाल्लाह ताला आपको 3 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके पास होना, क्योंकि आपके कनाडा आने का मकसद ही ये होता है. अगेन, कोई खुल के तो नहीं बोलेगा, वो कहेगा पढ़ने आ रहा हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है पढ़ने के बाद यहाँ सेटल होना सबका प्लान होता है. तो कहानी ये है कि अगर आप कोई छोटे मोटे कोर्स में ले लेते हैं और उससे आपको सिर्फ 1 साल का वर्क परमिट मिलता है, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट. बहुत रिस्की हो जाता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि हुआ लकी इनफ टू गेट अ गुड जॉब फुल टाइम, और उसके बिना पे वो अपनी PR अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन बेहतर ये होता है, सजेस्टेड यही होता है कि आप एटलीस्ट 2 साल वाला कहानी कीजिए, 2 ईयर्स का कोई प्रोग्राम लीजिए, ताकि यू आर एलिजिबल फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ऑफ 3 ईयर्स, जिसे आप PGWP कहते हो, और उसके बाद ताकि आप सुकून से आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए, जॉब ढूंढिए, सेटल हुई और उसके बाद अपने PR का प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए. ठीक है, लेट्स डाइव इनटू इट. मैं फिर बता देती हूँ, आज की वीडियो है शेरिडन कॉलेज, जो कि है GTA में, और ये है 2 इयर्स का डिप्लोमा जो कहलाता है ओंटारियो कॉलेज डिप्लोमा, एंड इसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं, 2 सेमेस्टर्स इन ईच ईयर. ठीक, अब हम बात करते हैं कि जी फील्ड प्लेसमेंट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ऑनलाइन कहानी करने की कोशिश आप मत किया कीजिए. आप जब आ ही रहे हैं तो अच्छा पढ़िए, और फील्ड प्लेसमेंट जब आप लेते हैं तो आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलती है आपको, है ठीक है, कि यहाँ का सिस्टम ऑफ एजुकेशन कैसा है, आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होता है, आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होती है. और जाहिर सी बात है कि मैंने ऑनलाइन कोर्सेज भी पढ़े हुए हैं, लेकिन जो बात कैंपस में जाके प्रोफेसर्स के साथ बैठ के उनकी बात सुनने, क्लास डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करने, क्लास फेलोज़ या कोर्स फेलोज़ जो होते थे उनके साथ हेल्दी डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करके जितना मैंने वहाँ गेन किया ऑन कैंपस इन पर्सन कोर्सेज में, उतना मैंने ऑनलाइन में गेन नहीं किया. तो यही मेरी आपको सलाह होगी कि आप ऑनलाइन पर मत जाइएगा. ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि फाइन, ठीक है, GTA में है शेरिडन कॉलेज, सारी डिस्क्रिप्शन सब कुछ मैं डालने वाली हूँ नीचे.
ओके जी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. क्लास लंच ब्रेक है मेरी, तो ये फिक्र करने की जरूरत नहीं कि मैं अपने क्लास टाइम से निकाल के वीडियोस बनाती हूँ. मैं लंच ब्रेक्स में वीडियो बनाती हूँ. ऑब्वियसली मैं अपना पर्सनल टाइम कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती हूँ, तो इट्स ओके, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. चलो हम अगली बात करते हैं. ठीक है, मैंने आपको बता दिया बेसिक, और अब हम आगे बात करते हैं कि कोर्सेज पे मैं नहीं जाऊंगी. कोर्सेज ऑब्वियसली हर सेमेस्टर के अलग अलग कोर्सेज हैं, जो लेना चाहता है वो उसकी डिटेल में ज़रूर जाए. अब हम बात करते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की. एडमिशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं कमेंट सेक्शन में कि जी हमने बहुत कुछ किया हुआ है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर इवन इफ़ यू आर अ डॉक्टर, बिकॉज आई नो समबडी हु वॉज अ डेंटिस्ट जो हु केम हियर और शेरिडन कॉलेज से ही उन्होंने अपना डिप्लोमा किया ऑफ 2 ईयर्स का, एंड अल्हम्दुलिल्लाह उनको फॉरेन जॉब भी मिल गई, एंड नाउ शी इज़ अ फुल टाइम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर इन ऑन्टेरियो. ठीक है, अब मैं स्पेसिफिक प्लेस की बात नहीं करूँगी, बिकॉज मैं बोलूँ GTA में उनको फुल टाइम जॉब मिली रही है. ठीक है जी, अब द थिंग इज़ के वो डेंटिस्ट थी. बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि जी हमने मैनेजमेंट में कुछ किया हुआ है, या हम हाई स्कूल टीचर हैं, या हमने PhD किया हुआ है, या देयर बहुत सारे और डिफरेंट कमेंट्स. तो मैं ये बोलूँगी कि देखिए जी, बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी जिसे आप बोलते हो इसमें एडमिशन के लिए, वो सिर्फ इंटरमीडिएट है. जो इंटरमीडिएट का मतलब होता है ग्रेड 11-12, जिसको इन अदर वर्ड्स आप हाई स्कूल भी कहते हो. ठीक है जी, आपको सिर्फ हाई स्कूल सर्टिफिकेशन चाहिए है टू बी एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर डिप्लोमा. इसके अलावा आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी चाहिए, यानी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी चाहिए. वो मैं आपको बता दूं कि आपको कितनी चाहिए. ये याद रखिएगा कि ऑब्वियसली ये जो सारी चीज़ें होती हैं, बेहतर ये होता है कि आप ज़रूर अपना जो असेसमेंट है, जिसे आप कोर्स बाय कोर्स असेसमेंट्स होते हैं, अपनी हर चीज़ की करवा के रख लीजिए. क्योंकि मुझे ये भी क्वेश्चन आया था कि क्या ये ज़रूरी है कि हम अपनी ग्रेजुएशन की और ये सब चीज़ें करें. तो मैं ये बोलूँगी कि ज़रूरी तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन अच्छा है कि आप ईमेल करके उनसे मालूम कर लीजिए. पहली बात, जो भी कॉलेज से आप करना चाहते हैं एडमिशन लेना चाहते हैं. दूसरी बात यह है कि आप अपनी कोर्स बाय कोर्स इवेल्युएशन तो अपनी तमाम चीज़ों की करवा के रखिए, बिकॉज अगर आप ज़्यादा अपनी सर्टिफिकेशन शो करते हैं उनको, तो जाहिर सी बात है आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं, बिकॉज इंटरमीडिएट के अलावा भी आपने बहुत कुछ किया हुआ है. ठीक है, तो मेरा मशवरा ये होगा कि सबसे पहले तो अपनी कोर्स बाय कोर्स इवेल्युएशन करा के रख लीजिए वैसे वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज कैनेडा से. इवन अगर इंटरमीडिएट या हाई स्कूल इन अदर वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, तो उसकी भी आप भेजते हैं उसे इवेल्युएशन के लिए. ठीक है, तो आप अपनी सारी चीज़ों की आप करवा के रखिए, बैचलर्स एंड वट एवर यू हैव डन सो फार. और फिर आप जब इनको एडमिशन के लिए आप भेजेंगे, तो आप ईमेल करके भी पूछ सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट है क्या, क्या हम अपनी सारी चीज़ें भेजें या आपको सिर्फ हाई स्कूल की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, अब हम मेन बात पे आ जाते हैं जी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के 3 तरीके इन्होंने बताए हुए हैं कि हाउ कैन यू प्रूव कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हैं. एक तो यही है कि जी सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ शेरिडन्स ESL प्रोग्राम हो, और इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज जिसे आप बोलते हैं, प्रीवियस सेकेंडरी और पोस्ट सेकेंडरी एक्सपीरियंस हो. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये प्रीवियस सेकेंडरी और पोस्ट सेकेंडरी एक्सपीरियंस क्या चीज़ है. मैं शेरिडन वाली बातें तो नहीं करूँगी, मैं बात करूँगी दूसरी चीज़ों की. इंटरनेशनल बैकलोरेट जिसे आप IB डिप्लोमा प्रोग्राम करते हैं, वेयर इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन विद हाई लेवल और स्टैंडर्ड लेवल इंग्लिश ए लिटरेचर, इंग्लिश ए लैंग्वेज एंड लिटरेचर और लिटरेचर एंड परफॉर्मेंस. अगर आपके पास ये कोर्सेज थे इंटरनेशनल बैकलोरियट प्रोग्राम में, जिसे IB प्रोग्राम कहते हैं, तो भी चलेगा, एक्सेप्टेबल है फॉर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी. इसके अलावा फुल GCSE, IGCSE और GCE O levels, AS levels और A levels programs with English or English first language courses भी अगर आपके पास हैं, तो भी चलेगा. तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए कि अगर आपने IB किया हुआ है, या GCSE, IGCSE, या AS, या A levels अगर आपने किया हुआ है, O levels, AS एंड A levels किया हुआ है, उसमें आपके पास ये इंग्लिश के कोर्सेज थे, तब भी वो अप्रूव्ड है. तो दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि आपको फिर IELTS नहीं लेना पड़ेगा. अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना पड़ेगा, IELTS का मिनिमम स्कोर आपको कितना रिक्वायर्ड है. IELTS का जो मिनिमम स्कोर
4 है, याद रखिएगा हम एकेडमिक मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, क्योंकि एडमिशन्स के लिए, लाइसेंसिंग के लिए आपका जनरल नहीं चलता, आपको एकेडमिक चाहिए होता है, उसमें आपके पास ओवरऑल बैंड स्कोर 6 होना चाहिए और इंडिविजुअल बैंड जो होगा इट शुड नॉट बी बिलो 5.5, यानी 5.5 से कम किसी भी बैंड में नहीं आना चाहिए. राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड व्हाट एल्स, रीडिंग, इन चार में 5.5 से नीचे नहीं होना चाहिए. ओवरऑल जो एवरेज होना चाहिए वो 6 होना ज़रूरी है. 5.5 से ऊपर हो इन बैंड्स में तो बहुत ही अच्छी बात है, कम ना हो वरना आप गए. ठीक है जी, इंग्लिश रिक्वायरमेंट भी मैंने आपको बता दी. अब हम वापस आ जाते हैं कि चलो जी एडमिशन के लिए तो हम एलिजिबल नज़र आ रहे हैं, हम कर सकते हैं, पैसे कितने बनेंगे, कितने चाहिए जो हमें ट्यूशन फी देनी पड़ेगी. लेट्स हैव अ लुक एट दैट. अगर आप कैनेडियन स्टूडेंट हैं जिसके अंदर आपके पास कैनेडियन सिटीजन और पीआर होल्डर्स दोनों आ जाते हैं, उनके लिए तो इट्स जस्ट अराउंड 4,203 लाइक अराउंड आप समझें $4,500 समझ लीजिए. याद रखिएगा ये एस्टिमेट्स दिए हुए, एग्जैक्ट नहीं दिए हुए. इसमें क्या क्या कवर हो जाता है? ये फ़ी इंक्लूड करती है ट्यूशन, हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी के जो मिसलेनियस चार्जेस होते हैं, ये करती है. इसके अलावा के खर्चे आपके अपने, ठीक है. हम कैनेडियन सिटीजन्स नहीं हैं, हम पीआर होल्डर्स नहीं हैं, आप लोगों की बात कर रही हूँ. तो अगर आप आ रहे हैं एज एन इंटरनेशनल कैंडिडेट तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? एक साल का यानी 2 सेमेस्टर का इट्स $18,000 एंड दिस इज़ जस्ट एन एस्टिमेट. ठीक है, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, फर्स्ट ईयर का यानी 2 साल का इन्होंने आपको बता दिया कि जी $18,000 देने हैं. अब आगे क्या कहानी है, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट. अगर आप समझते हैं कि जी ये इट्स गोइंग टू बी द सेम फॉर बोथ द ईयर्स, तो 18 times 2 इज स्ट्रेट अवे $36,000. ठीक है, अब हम बात यही कर लेते हैं कि ओके अगर आप इनकी डिटेल्स और जानना चाहते हैं, यू कन्फ्यूज़ कि अच्छा दूसरे साल में क्या होने वाला है, तो इन्होंने यही बोला कि जी इनकी वेबसाइट पर नहीं लिखा हुआ है. ठीक है जी, सो दिस इज़ अ लिटिल फिशी, क्योंकि अनलेस एंड अंटिल कोई वहाँ से कर रहा है जिसकी तो उसको हो सकता आइडिया हो, लेकिन नज़र यही आता है कि इट्स गोइंग टू बी जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2. अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं तो आप इनको ईमेल करें, फाइंड आउट कर लीजिए कि अच्छा जी हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आना चाहते हैं तो इज़ इट गोइंग टू बी दिस मच ऑफ द अमाउंट दैट इज़ $18,000 times 2 और इज़ इट गोइंग टू बी अ लिटल लेस फॉर द नेक्स्ट ईयर. ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये है पहले साल की फ़ी $18,000 फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो कि स्ट्रेट अवे आप समझ सकते हैं 4 से 18 पे पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, तकरीबन 4 times थोड़ा सा ज़्यादा, फाइन. तो ये है आपकी फ़ी पहले साल की. नाउ ये मैं पहले साल की फ़ी पे क्यों ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ, क्योंकि जो SDS के थ्रू आना चाहते हैं यानी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के वीज़ा के थ्रू आना चाहते हैं, उनको अपनी पहले साल की पूरी फ़ी लम सम में पे करना पड़ती है. और उसके अलावा आपको अपने पहले साल का जो $10,000 है वो भी पे करना पड़ता है. तो अगर आप 18,000 प्लस $10,000 कहते हैं तो आपके पास अराउंड 28,000 to 30,000 ये स्ट्रेट अवे बन जाता है, अगर आप स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के थ्रू वीज़ा लेकर आना चाहते हैं, जो कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि आई थिंक इट्स अ 15 days और समथिंग जिसके अंदर आपका फ़ौरन वीज़ा हो जाता है, वन दैट इज़ गारंटीड. और उसके पे मैंने एक वीडियो और आई हुई है, आप उसकी डिटेल जाके देख सकते हैं. और इसलिए मैं आपको फर्स्ट ईयर की फ़ी पे ज़्यादा स्ट्रेस कर रही हूँ. ठीक है, दूसरे ईयर की फ़ी ये भी होती है कि भाई आप आके यहाँ पे जॉब करना स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़ा बहुत आप भी अपना जमा कर लेते हैं पैसे, या अगर आपको पीछे आपका फाइनेंसेस हैं तो वो भी आपको थोड़ा थोड़ा करके भेज सकते हैं. तो जैसा मेरे केस में मेरे हस्बैंड मुझे फाइनेंस कर रहे थे तो आसानी हो गई. मैंने यहाँ के पार्ट टाइम जॉब्स भी की थी ऑन कैंपस, तो उससे भी मुझे थोड़ा थोड़ा सा चुन्नू सा फ़र्क पड़ जाता था, बेसिकली मेरे हस्बैंड ही कर रहे थे. अब इसीलिए मैं आपको पहले साल की ट्यूशन फ़ी पे स्ट्रेस देती हूँ कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको गारंटीड कैनाडा आना है. इंडिया और पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ है SDS स्ट्रीम, जो कि होती है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, उसमें अगर आप पहले साल का $10,000
ठीक है, जो आपके अपना होता है, आप यहाँ पे आके आपको पार्ट इंस्टॉलमेंट्स में मिलता रहता है हर एवरी मंथ पहले साल के। और अगर आप फर्स्ट ईयर की फ़ी सबमिट करा देते हैं लमसम में एक दफ़ा में, तो आपका वीज़ा पक्का है। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बताती रहती हूँ। अब हम बात करते हैं कि चले जी, ये कहानी तो हो गई, मैं एक बंदे के आने की बात कर रही हूँ। अगर आप एज अ फैमिली आ रहे हैं तो प्लीज़ डू चेक आउट माई वीडियो ऑन दैट, कि फैमिली के लिए हर बंदे के एडिशनल कितना होगा SDS में, अगर आप अपने साथ अपने स्पाउस अपने बच्चों को लेकर आना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कि चले ठीक है, आपने डिप्लोमा कर लिया और या आप सोचते हैं कि चले मेरे पास पैसे भी हैं, मेरा एडमिशन एलिजिबिलिटी भी बनती है, तो इसके बाद करियर्स क्या हैं, मैं क्या क्या करने के काबिल हो जाऊंगी। तो इसमें वंस यू हैव दिस डिप्लोमा है, आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, बिफ़ोर एंड आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स में, सेंटर बेस्ड चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स में, अर्ली ओंटारियो चाइल्ड एंड फैमिली सेंटर्स में, किंडरगार्टन प्रोग्राम्स, लिटरेसी एंड पेरेंटिंग प्रोग्राम्स में और नर्सरी स्कूल्स में। सो बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे आपका ये डिप्लोमा काम आने वाला है और आपको जॉब मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका डिग्री कंप्लीशन हो गया और आप ये चाहते हैं कि जी हमें मुझे और बढ़ाना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग मोर, लेट्स सपोज इफ़ यू वॉन्ट टू डू बैचलर्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, मैं एग्जैक्टली आपको डिग्री बता देती हूँ, ऑनर्स बैचलर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड लीडरशिप डिग्री प्रोग्राम करना चाहते हैं आप, तो क्या करना होगा। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि जी हमें, हमारे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर का, बहुत अरसा हमने जॉब की हुई है, हमारे पास डिग्रीज हैं फ्रॉम रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान और इंडिया, तो हम यहाँ आना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, जब आप एक्सपीरियंस लेके आते हैं तो आप चाहते हैं आगे बढ़ें। तो अगर आप लीडरशिप डिग्री प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं, तो अगर आपकी GPA 2.5 इस डिप्लोमा में आती है, तो आपके कुछ कोर्सेज यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि एग्जेम्प्ट हो जाते हैं और आपको उसमें एडमिशन मिल सकता है। वो एक और कहानी है, उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगी, लेकिन पहले तो हम बात करते हैं आने की, जो कि है डिप्लोमा के थ्रू। ठीक, अब हम अगेन गाइस, इसमें और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मेन मैंने आपको बता दी हैं कि क्या क्या हो सकती हैं। अगर अब इसके बारे में अगर आपके पास और कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं कि भाई और डिटेल्स आप जानना चाहते हैं कि जी एडमिशन्स कब होंगे, कैसे होंगे और हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये पूरी डिटेल्स इनकी वेबसाइट पर मौजूद हैं। मैं आपको फिर यही बोलूँगी कि आप इनके लिए आइए, इसके ऊपर इनका वेबिनार भी हो रहे हैं, आप वेबिनार के लिए अपने आप को रजिस्टर ज़रूर कीजिए, ताकि आपको इनका एक कैंपस टूर भी मिल सके। आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप उनको मतलब ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू आस्क एंड क्लैरिफाई डायरेक्टली, और ये आप ज़रूर कीजिएगा। और मैं और आपको क्या बता सकती हूँ कि जी ये सारी चीज़ें डिटेल्स मैं नीचे डाल दूंगी, एंड देन यू कैन फाइंड आउट व्हाट यू कैन डू अबाउट इट। फाइन, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो किस बात चीज़ के बारे में होनी चाहिए। दो चार न्यूज़ आर्टिकल्स आए हुए हैं जिनके बारे में मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी, तो लेट्स एंड दिस वीडियो। और जो जो आप अगेन, यू हैव टू क्रिएट अ लॉगिन ओवर हियर अपना एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, ज़रूर चेक इट आउट इनके वेबसाइट पे जाके कि ये सारा प्रोसीजर क्या होने वाला है। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं और जो कि ऑनटेरियो आना अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज ये एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्राम्स जो मैंने कवर किए थे NL के लिए भी, उनसे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो अगर आप समझते हैं कि फाइनेंशियली आप ये स्ट्रॉन्ग, लाइक यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन अफोर्ड दिस, सो वाई नॉट। फाइन, तो सिंस मैं हर एक को केटर करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आई होप दिस इज़ गोना हेल्प समबडी आउट देयर जो कि यहाँ आना चाहता है और ओंटारियो जैसे बड़े प्रोविंस में सेटल होना चाहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, एंड डू रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेयर्स। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।